द बेस्ट माशाल्लाह पंजाब के लिए एक अता है दलेर मेहंदी। वाह वाह वाह, आपने सदफ ये जो दरिया में तेरिया नया कानू दरिया तू मैं तेनू याद करके ब्यूटीफुल बेहतरीन लगाओ बेहतरीन रचाओ। वालेकुम जी, मैं उतार सरन मीर और मीर टाकीज में आज मेरे साथ सदफ हैं और सदफ सिंगर भी हैं और म्यूजिक क्रिटिक भी हैं और आज हमने सुना है कोयलिया दलेर मेहंदी साहब का, पाजी दलेर मेहंदी साहब का सॉन्ग आया है और वो उन्होंने मुझे भी भेजा है और सदफ को भी भेजा है। हमने वो गाना सुन लिया है और उस पे हम अपने आपको कमेंट देंगे कि दलेर मेहंदी साहब 1995 तो सदफ छाए ने बोलो तारा रारा तो लेके उन्होंने वापस नहीं देखा और कोयलिया आपने सुना भी है और हमने डिस्कस भी किया है, क्या कहेंगे कोयलिया के? अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी मीर साहब के दलेर पाजी की सब तो सोनी गल है ये कि ओ पुराने जेडी इकदार ने म्यूजिक दिया उन्होंने लेके बहुत अच्छा वदे ने। इकदार मीन जो तो इंडिया में सुन रहे हैं ट्रेडिशन। हाँ ट्रेडिशन। अच्छा उसके साथ जितने भी लवाजमात म्यूजिक के उन्होंने इकट्ठे किए हैं लेटेस्ट म्यूजिक लेके चले हैं, सब तो बड़ी गल की मीर साहब तानू नहीं भूले। दलेर पाजी थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग अस इन योर प्रेयर्स। और जब भी आप अच्छा म्यूजिक बनाते हैं आप हमें इस काबिल समझते हैं कि आप वो म्यूजिक हमें भेजें और उसके बारे में हमारी यारा इकट्ठी करें और उसकी वजह से एक नया म्यूजिक प्रोड्यूस करें। अच्छा ये अगर बात करें कोयलिया की तो कोयलिया है एक क्लासिकल ठुमरी जिसका ठाट जो है वो भैरवी है जी। और सदफ मैं तो ये चाहूंगा थोड़ा जा गुनगुनाओ भी, किस तरह है ये, किस शक्ल तुसी सुनी है, कोई अज़ेन समाई है? मतलब समाई बहुत ज्यादा है, पता क्यों? ओ बड़ा बहुत ही चंगा गाए ने एस सेंस च के जदों ओ कहंदे ने कोयलिया उड़ जा यहां नहीं बो, ये जो दरिया में तेरिया नया कानू दरिया तू मैं तेनू याद करके ब्यूटीफुल बेहतरीन लगाओ बेहतरीन रचाओ। पाजी बहुत अच्छे बहुत आला। अच्छा सदफ मैंने पाजी के म्यूजिक पे जो है वो सोशल मीडिया पे और इनका जो यूट्यूब है उस पे लिखा है कि ऐसे ही हम पाजी दलेर को किंग ऑफ फोक यानी लोक म्यूजिक का, मॉडर्न लोक म्यूजिक का बादशाह नहीं कहते, लेकिन कभी कभार जब ये ठुमरी की गा देते हैं, एक ट्रेडिशन गा देते हैं, या जैसे आपके उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान कहते हैं कि दलेर के गाने में क्लासिकल कभी कभी तान भी आ जाती है, जैसे सजन मेरा सतरंगिया की जो तान है वो पूरी खासा भी वो काम हो गए सजन दुले मेरे सतरंगिया। तो मैंने ये लिखा सदफ के पाजी दलेर का जो काम है कभी कभी फोक से ज्यादा नजर आता है और ये जो कोयलिया है इसमें ट्यून कंपोजिशन उसमें उसका पूरा एक थॉट एम्बियंस और दोवे मॉडल जिदी बैली नजर आ रही है तो जिदी बैली नहीं भी नजर आ रही है। हाँ जी, क्यों नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। बाज मॉडल्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मॉडल जो है मैं जो है वो लड़की के बारे में बताऊंगा, आप लड़के के लड़के यानी दलेर मेहंदी के बारे में। मैं सच्ची गल दसा, मैं दलेर पाजी का गाना सुनिया, मैं मॉडलां ले तकिया भी नहीं। हाय हाय हाय, यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू। वाह 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 वाह, ये देखें पाजी के सदफ ने गाना ही सुने, विजुअल ते देखे ही उधर ध्यान नहीं जाता। और मैं चूंकि एक अताई पत्रकार भी हूँ प्रोड्यूसर भी हूँ तो मैंने इसका जो है वो वीडियो भी देखा है, वीडियो भी ऑडियो भी चंगी ते वीडियो भी चंगी जी। तो सदफ ये एक खास बात जो दलेर साहब के म्यूजिक के हवाले से कि आप हर गाना सुने
शुरू से 95 से लेके बोलो तारा राज से लेके आज तक सुने, सिमिलैरिटी नहीं है, रेपिटेशन नहीं है अपने अपने उसमें म्यूजिक में, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं है और एक पैटर्न जो है दूसरी दफा वो उनका आपके जहन में हो गाना जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, हर तरफ तेरा जलवा, उसमें जो पीछे डगा लगा है रमजू भाई ढोल वाला जी, ओ क्या उसमें, फिर श्यामा पैया वो उस जैसे तो कुछ नहीं, फिर क्या कहने, फिर, क्या कहने, फिर और जो चीजें हैं मैंने ये देखा कि दिलेर भाजी के काम में रेपिटेशन नहीं है। अच्छा रेपिटेशन तो नहीं है मेरे सब, मगर सब तो सुनी गल हैगी है जड़ी मैं समझनिया कि बरे सगीर पाको हिंद के जितने भी आर्टिस्ट हैं जो पंजाबी गायकी को लेके आगे चले हैं जी, दलेर विनी समय सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन सब का कुछ कुछ जो अच्छा अच्छा है वो तमाम मौजूद है उनके वोकल कॉर्ड्स में। यानी अगर मैं परवेज परवेज मेहदी साहब का कहूं तो इस गाने में भी कहीं खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है जी। नोट और कॉर्ड जो है जी, वो आपने भी जब गाया तो तब भी मुझे जो है परवेज मेहदी साहब याद आए, और पंजाबी अंग में पंजाबी। बड़ी मुश्किल गल है कि तुसी एने मतलब एक वोकल कॉर्ड इच एने लोग मौजूद हो, उन्होंने असरार और रमूज मौजूद हो, मतलब एक बंदे को अल्लाह ने कता की थी, ईश्वर ने कता की थी कि वोकल होंदा है, वोकल बॉक्स होंदा ठीक है, मगर हर तरह दे साडे बड़े सगीर पाको इंदे जिन्ने आर्टिस्ट गुजरे ने गाण वाले स्पेशली उन्हां दा जिन्ना अच्छा अच्छा है ना उस सारा उन्हां दे अंदर मौजूद है। और सब तो सोहनी गल दलेर भाजी दी हैगी है कि उन्हां नूं पता है कित्थे की इस्तेमाल करना है। वाह वाह, ए मुश्किल होंदा, मुश्किल मुश्किल वेरिएशंस लियानियां। और देखें कि दिलेर साहब का काम क्या है कि वो ट्रेडिशन से भी जुड़े हैं जी, अपने जो हमारा ईस्ट का म्यूजिक है रिच जी, उससे भी जुड़े हुए हैं और आगे जो मॉडर्न चीजें हैं उनसे भी सिंक्रोनाइज्ड है। लूप्स ने बड़ा अच्छे खेडे ने होगे चल के ना, उन्दे तानु वेरिएशंस नजर आ रही है, कोई ब्रिज कॉर्ड्स नजर आ रहे ने, मगर उन्दे जो अपनी गायकी नू नहीं उन्होंने छड़िया, लगाओ नू नहीं छड़िया, रचाओ नू नहीं छड़िया, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब अजकल आर्टिस्ट च ओ गल नहीं है, ओ जोलजी बॉटनी का एक्सपेरिमेंट समझते ने ना गायकी नू, वो इंज थोड़ी है। सो ही इज द बेस्ट माशाल्लाह, पंजाब के लिए एक अता है दलेर मेहंदी। वाह वाह, आपने सदफ कभी लाइव भाजी को सुना, लाइव गा रहे हो और आप लाइव सुना हो? लाइव मेरे लिए उस दौर का टीवी सी, नाका मिची का इंस्ट्रूमेंट सी, जो बोलो तारा रारा ने एक रिकॉर्ड कायम किया और मतलब जाग लाने वाले ने पंजाबी म्यूजिक नू। वाह वाह वाह, और ऐसा कोई व्याह कोई शादी नहीं जिद ते दलेर मेहदी का गीत वजे ओ शादी हो जाए, की ख्याल है? और मैं तुम दसा सब तो अच्छे होस्ट भी ने, दलेर पाजी एक मेजबान बड़े चंगे ने, उन्होंने कदी ए नहीं सोचा कि यार सर हद तो पार दे, मैं ना पूछा, मेरे घर दे नाल रहंदा है गाना ला, मैं पूछा, मतलब इज अ वेरी गुड होस्ट। पाकिस्तान दा केड़ा सिंगर है जी, अच्छा गाण वाला भी ते घट अच्छा गाण वाला भी, जेड़ा ओ जेड़ा नहीं गया दिल्ली, जेड़ा नहीं उन्हां कोल पहुंच सके, दूरस्थ उन्हां ने रहन नहीं दित्ती हैं, दलेर पाजी ने दिल्ली वाह 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 नहीं रहन दित्ती, के हनूस दिल्ली दूरस्थ पाजी ने जेड़ा है ना इडियम जेड़ा मुहावरा ओनू गलत कर देता भाई। बहुत अच्छे भाई सदफ, ये बहुत ही आला आपने उनकी मेहमान नवाजी की और हॉस्पिटैलिटी की बात करके जो है वो बहुत ही अपना। अच्छा मैंने ये दसो को आप तो शायद उस वक्त जो है वो पैदा होगी होंगी या हो रही थोड़ी थोड़ी हो रहे हो गए 1995 बोलो तारा तो लैके हुण तक जी किन्ने साल हो गए ने? देखो तकरीबन 27 साल, तो 27 साल 3 डेकेड जी। अपने आप नू मेंटेन करना और अच्छा गाना, अच्छा। एदे बारे की तुसी सोच दे? अच्छा मैं तो नहीं गल दसा कि जेड़ा सखी बंदा होंदा है ना वो यंग दिखदा है। वाह, उनका म्यूजिक भी यंग ही लगेगा। आहा, ते दलेर पाजी नू एक करम है उन्हां ते। वाह, स्पेशली के मतलब वो यंग लगन गए, उन्हां दा म्यूजिक पुराना नहीं लगेगा, क्यों? उन्होंने किसी को खो के म्यूजिक नहीं गाया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जो कीता है अपना कीता है। वाह वाह वाह, ते उधर कैमरे च वेख के उन्हां नाल गल करो के भाजी किड्डी वड्डी गल तुहाडे बारे सदफ कह रहे ने कि उन्होंने एक ते सखी हैगे ने, दूसरा म्यूजिक खो के नहीं कीता, म्यूजिक चोरी करके नहीं किसी दा नहीं कीता, अपना कीता, अपनी बाल के सेकी है। तो ऐसे बंदा जेड़ा होंदा है ना, अता होती है ना उस पर। तो मीर टाकीज के सुनने वालों के लिए ये एक दलेर मेहदी साहब का तोहफा और उस पे सदफ, थैंक यू, और मुझ थैंक यू मीर साहब, थैंक यू वेरी मच।
मुझे बुलाने का शुक्रिया, मुझे याद करने का शुक्रिया, और मैंने जो भी सीखा है इनके दम से, इनकी तफेल सीखा है। अरे अब हाँ, ये सदफ जो है मीर टाकीज पे आती रहेंगी, और इसी तरह कोयलिया नाजा, इस तरह जैसे दलेर पाजी का जो है म्यूजिक उस पे हमने जो है इतनी चाहत से कमेंट किए हैं, इसी तरह हम क्रिटिकली अप्रिशिएट जो है म्यूजिक को और चीजों को करते रहेंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। और आखिर ते मैं चाहूंगा कि बारी फिर जरा कोयलिया कोयलिया उड़ जा यहाँ नहीं बो, ये जो दरिया में तेरे नया कानू दरिया तू मैं तेनु याद करके। यस, ब्यूटीफुल, बेहतरीन लगाओ, बेहतरीन रचाओ।